कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज को ईमान भी कहा है। नमाज ईमान का तराजू है, जिसके दिल में राय बराबर भी ईमान हो नमाज नहीं छोड़ सकता। नमाज बंदे और रब के दरमियान एक ताल्लुक की अलामत है और ये ताल्लुक नमाजों के साथ मजबूत होता चला जाता है। नमाज दिल और जबान के जिक्र को जमा करने का जरिया है। नमाज के जरिए बंदा अपने रब से एक दुरुस्त ताल्लुक कायम कर लेता है। नमाज का छोड़ना ईमान से महरूमी है, बदतरीन गुनाह है। अल्लाह ताला की हिफाजत से बंदा बाहर आ जाता है। आमाल की बर्बादी का बायस है, दिलों की सख्ती और गफलत का बायस है। एक नमाज भी कजा करना बहुत बड़े खसारे का बायस है। बेनमाजी के लिए मौत की सख्तियां भी हैं। नमाज छोड़ना अहले जहन्नम की सिफत है। जब उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछेंगे तुम्हें क्या चीज दोजख में ले गई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे।